नमस्कार दोस्तों, आज हम इस लेडी पाम का एनालिसिस करेंगे। इनकी एज 31 इयर्स है। अब ये पाम में क्या खासियत दिखती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहली जो खासियत दिखती है, यह हाथ का कलर और हाथ की रेखा है। इस तरह के पाम वाले व्यक्तित्व बुद्धिजीवी तरह के व्यक्तित्व रहता है इनका। काफ़ी सोच विचार कर बहुत ज्ञानी लोग होते ये लोग, और कोई ना कोई चीज़ की अच्छी खासी पकड़ इनकी रहती है जीवन में। अब कंप्लीट रेक्टेंगल पाम है। जब इस तरह का पाम व्यक्ति के जीवन में होता है तो कंप्लीट अपने जीवन में सभी कार्य व्यक्ति बोल कर करता है, टोटल काम। ये इनकी खासियत होती है और ये इनके पाम पर दिख रही है। अब इनका अंगूठा देखिए, काफ़ी मजबूत, यानी व्यक्तित्व स्ट्रांग होगा इनका। प्लस फर्स्ट फेलेंज का जो अग्रभाग है वो काफ़ी नुकीला है, तो व्यक्ति अपने ध्येय के पीछे कंप्लीट लगकर उस पर सफलता पाने वाला व्यक्तित्व रहता है ऐसे लोगों का। अब इनकी गुरु की उंगली, उंगली तो सीधी है पर फर्स्ट फैलेंज बैंड हो रहा है, तो इनकी स्पिरिचुअलिटी थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की होगी। आम लोगों की तरह ये धार्मिक नहीं होंगे, कुछ ना कुछ डिफरेंट इनमें होगा। जहाँ यहाँ पर फिश होती है उस तरह की डिफरेंट नहीं, पर कुछ ना कुछ डिफरेंट इनकी सोच रहती है धर्म के बारे में। अब शनि की उंगली भी बड़ी है, तो व्यक्तित्व थोड़ा सा एनर्जेटिक रहता है, यानी एनर्जी लगाता है काम के प्रति। और इनकी जो सूर्य की उंगली है वो काफ़ी बड़ी है गुरु की उंगली से, सॉरी गुरु की उंगली से काफ़ी बड़ी है, तो इनमें हिम्मत अपार होगी। यानी ऐसे लोग बहुत हिम्मती होते हैं, जब निर्णय लेने की हिम्मत से आता है समय तो अच्छी खासी हिम्मत दिखाते हैं ये लोग। पर इस पाम पर छोटी उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंच रही और बहुत कम डिस्टेंस है, तो ये इनमें क्या माइनस पॉइंट देती है। इनका कम्युनिकेशन चाहिए वैसा नहीं होता, इन ये लोग चीज़ें संभाल कर नहीं रख पाते, फाइलिंग इनकी प्रॉपर नहीं होती, और कोई भी वस्तु को सही जगह पर रखने के लिए आलस आता है इनको। और जब LIC पॉलिसी हो या पासपोर्ट निकालना हो या कोई भी गवर्नमेंट के काम का हो या जमीन लेनी हो या घर लेना हो, तब जो डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने होते हैं तो इनका अच्छा खासा समय डॉक्यूमेंट ढूंढने में ही चला जाता है, क्योंकि इन्होंने सही ढंग से रखे नहीं होते। ये सबसे बड़ा माइनस पॉइंट होता है। प्लस ये किसी से पार्टनरशिप करे तो भी वो नुकसान में जाते ये लोग, क्योंकि ये हिसाब किताब में उस लेवल का ध्यान नहीं लगा पाते, ये इनका माइनस पॉइंट होता है। तो ये लोगों को कभी किसी से पार्टनरशिप करनी ही नहीं चाहिए जिसकी उंगली छोटी होती है। अब इनके ग्रहों की ओर चलते हैं, पर इनका अंगूठा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा व्यक्तित्व होगा इनका। अब बुध का पर्वत अपनी जगह पर ही उठा हुआ है और व्यवस्थित उठा हुआ है, ये एक तरह की सुंदरता भी देता है व्यक्ति में, बोलने की भी अच्छी कला देता है, प्लस उस पर खड़ी लाइनें भी है और एक स्क्वायर साइन भी बन रही है, पर वो कंप्लीट नहीं है। अगर ये कंप्लीट है तो इनका हर संकट में इनका बचाव होगा, पर मुझे कंप्लीट दिख नहीं रही है। फिर भी खड़ी रेखा है इस पर्वत को काफ़ी स्ट्रांग बना रही है, तो बुध पर्वत काफ़ी अच्छा है और इनका सूर्य पर्वत उससे भी अच्छे साइन वाला है, दो तीन बहुत बेटर साइन है। एक तो ये साइन के बारे में पाम जब आता है तो ये व्यक्ति को ही पता होता है कि ये साइन कंप्लीट है कि नहीं। ये यहाँ पर जो फिश बनती है ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाती है व्यक्ति को अपने रिस्पेक्टिव वर्ल्ड में, पर शर्त इतनी है ये पीछे के पार्ट में जॉइंट होनी चाहिए। अगर वहाँ ओपन है तो ये फल नहीं मिलता, पर 99.99% लोगों के हाथ में ये कंप्लीट ही होती है। इस तरह की फिश साइन, ये कंप्लीट फिश साइन बन रही है यहाँ पर। अब इनको खुद को देखना होगा जब ये वीडियो मिलने के बाद,
अगर ये कंप्लीट होगी, दोनों मुंह उसके बंद होंगे, इनके पाम पर पीछे की तरफ उंगली के बैक साइड में, तो ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति खुद के रिस्पेक्टिव वर्ल्ड में दिलाएगी। प्लस ऐसे लोगों को विदेश से भी धन आय होती है, ये लोग विदेश से भी धन अर्जित करते हैं। एक बढ़िया सी साइन, यहाँ पर दो ट्रायंगल बन रहे, सूर्य पर्वत पर कहीं पर भी ट्रायंगल बने, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर छोटा सा बन रहा है, कहीं पर भी ट्रायंगल बने वो व्यक्ति को काफ़ी अच्छी पोस्ट पर पहुँचाता है, अच्छी पोजीशन पर पहुँचाता है और अच्छी ओहदे पर पहुँचाता है। ये इस छोटे से ट्रायंगल या बड़े से ट्रायंगल में इतनी ताकत होती है। सूर्य पर्वत पर यानी ऐसे लोगों की कोई इच्छा जीवन में अधूरी नहीं रहती, लगभग उसके उसने जो सोची रहती है लगभग सभी इच्छाएं उनकी पूरी होती है और अच्छा खासा धन भी जीवन में प्राप्त होता है। दूसरी साइन इनके पाम पर है ये बनने वाला स्क्वायर, ये जो भी कार्य करेंगे वो जीवन में बहुत बड़े पैमाने का होगा। कर्सर से मैं बरोबर ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूं, पर ये एक स्क्वायर बन रहा है यहां पर, ये स्क्वायर, ये जो स्क्वायर बन रहा है, ये इनको जो काम मिलेगा, ये जो काम करेंगे वो मल्टी सिटी होगा और ये बहुत बड़ा स्क्वायर है। बहुत लोगों के जो बैंकिंग क्षेत्र में होते हैं तो ऐसे लोगों को बहुत बड़े स्तर पे कार्यभार मिलता है, यानी बहुत बड़े ओहदे पे पहुंचते हैं और उनका जो कार्य क्षेत्र होता है वो पूरा भारत होता है। बहुत बार तो ऐसे लोगों को इंटरनेशनल लेवल तक का कार्य क्षेत्र मिलता है। इस तरह की भी मैंने लोगों के पाम पर देखा है जो बड़े बड़े ओहदों पर रहते हैं। तो ये बहुत बड़ी साइन है, इसको कम आंकने की आवश्यकता नहीं है। और एक साइन बनी है पर थोड़ी सी छोटी है, वो इनको मल्टीपल मकान या जमीन का सुख देगी। ये साइन जब बनती है व्यक्ति के तो उसके पास 100% एक से ज़्यादा संपत्ति होती है, चाहे वो पुश्तैनी मिले और खुद भी बनाता है अपने पैसों से भी, ये भी एक खासियत होती है। यानी इतनी सारी खासियतें इनके पाम पर है। अब शनि पर्वत इससे भी बढ़िया है, ये एक थोड़ा सा दबा हुआ है शनि पर्वत, तो इनको थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत कराएगा। जो आज मिलना है वो इनको 4 दिन के बाद मिलेगा, 1 साल के बाद मिलना है वो हो सकता है 2-3 साल के बाद मिले, पर मिलेगा जरूर। शनि पर्वत जब दबा होता है देता जरूर है पर काफ़ी रूला रूला के देता है, ये एक माइनस पॉइंट होता है जब शनि पर्वत दबा होता है, पर शरीर में आलस नहीं देता, ये एक सबसे बड़ी खासियत होती है शनि पर्वत की। और इस पर्वत पर फेट लाइन तो कंप्लीट जा ही रही है ऊपर से, और ये लाइन भी विदेश से आय की ओर इशारा कर रही है। प्लस इनके बुढ़ापे में एक ऐसी साइन बनी हुई है कि व्यक्ति के जीवन में बल्ले बल्ले हो जाते हैं। ये एक साइन है जिसे फिश कहते हैं, मैं अच्छे से ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर। और ये फिश साइन यहाँ पर बनी हुई है इनके, और मैंने क्लोजअप ब्लोजअप सब मंगा कर अच्छी तरह से कंफर्म कर लिया, यानी उम्र अंदाजित 54 के आसपास से, 54-55 के आसपास से इनके पास इतना सारा धन बरसेगा, ह्यूज लेवल का धन इनको प्राप्त होगा, ह्यूज लेवल का, ये इतना सारा धन देगी ये फिश साइन इनको। अब जो साइनें इनके हाथ पर बनी है वो एक्सट्रीम लेवल की है, ये आज भले कोई भी कम पोजीशन पर होंगे पर ये भविष्य में बहुत बड़ी पोस्ट पर पहुंचेंगे, इनके सूर्य पर्वत की साइन से और इस फिश साइन से लग रहा है। और शनि पर्वत पर एक लाइन ये भी जा रही है जो लोगों को सरकार या पॉलिटिक्स से भी बेनिफिट कराती है या उनसे लाभ कराती है या ऐसे लोगों से संपर्क में आते ये लोग, कोई भी इस तरह का फल मिलता है या इनका ससुराल पैसे वाला मिलता है। ये 3-4 पॉइंटों में से कोई भी पॉइंट व्यक्ति के जीवन में
ये लाभ देती है ये रेखा। अब चलते हैं गुरु पर्वत पर। गुरु पर्वत पर बहुत बड़ा पार्ट उभरा हुआ नहीं है, छोटा सा ही है, ये एक माइनस पॉइंट है, ये व्यक्ति को परिवार से दूर रखता है। और कोई खास खाली खड़ी लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और यहाँ पर है हॉरिजॉन्टल, यानी बीच बीच में इनको मल्टीपल इनकम होते रहेगी, पर कोई स्क्वायर या ऐसा कुछ इस पर मुझे दिख नहीं रहा। एक अंदाजा स्क्वायर का दिख रहा है, पर मुझे साफ मैं 100% नहीं कह सकता कि ये स्क्वायर है। अगर ये स्क्वायर होगा इनके पाम पर, तो इनको 32 साल के पहले खुद का घर, 36 साल पर अथॉरिटी पोजीशन, और कितने भी गरीब परिवार में जन्म हुआ हो व्यक्ति अच्छी पोस्ट पर पहुंचता है। और अगर ये बोलने के कार्य में होंगे तो ये 100% ये सहायता करता है, जैसे टीचिंग व्यवसाय हो या कोई सिखाने वाला व्यवसाय हो, उस तरह का कोई भी व्यवसाय में ये स्क्वायर बहुत काम देता है। अगर ये लाइन यहाँ पर जॉइंट होती होगी तो ये स्क्वायर कंप्लीट है, पर गुरु पर्वत छोटा होने के कारण थोड़े से माइनस पॉइंट व्यक्ति को होते हैं, चाहिए उतना विस्तार अपने कार्य क्षेत्र का वो लेवल का नहीं कर पाता, पर इनके जो पाम को देखकर गुरु की साइज उतनी भी छोटी नहीं है कि चिंता वाली सब्जेक्ट हो। अब चलते इनके अंदरूनी मंगल पर। अंदरूनी मंगल तो काफ़ी मध्यम ग्रेड का है, यानी शरीर में एनर्जी मध्यम ग्रेड की रहेगी और उस पर बहुत सारी आड़ी रेखाएं चलती है। थोड़ी हो तो महिलाओं में एक कॉमन सी चीज़ है, बहुत सारी जिम्मेदारियां महिलाओं के हाथ में रहती है तो वो कॉमन चीज़ है, पर इन पर थोड़ी सी ज़्यादा है, तो ये चिंताग्रस्त रहने वाला स्वभाव इनका रहेगा। खुशी भी मिलती होगी तो आगे क्या, आगे दुख तो नहीं मिलेगा, उस चिंता में ये लोग रह जाते हैं। खुशियों में भी चिंता ढूंढते, इस तरह का स्वभाव इनका बन जाता है, ये एक माइनस पॉइंट होता है, पर ये केवल यहाँ ही है राहु रेखा के रूप में, इनकी जीवन रेखा को ये नहीं काट रही है, तो ये प्लस पॉइंट है। अब चलते इनके शुक्र पर्वत पर। शुक्र पर्वत साफ सुथरा है पर बहुत उभरा हुआ नहीं है, पर स्पेस काफ़ी अच्छा लिया हुआ है, तो ये प्लस पॉइंट है। ऐसे शुक्र पर्वत से एक फायदा व्यक्ति को होता है, ज़्यादा लग्जरी के पीछे इंसान भागता नहीं, अपना कार्य करते रहता है, जैसी सुविधा मिली उस सुविधाओं का वो आनंद लेता है और ज़्यादा लग्जरी के पीछे भागता नहीं। और इनके एक बढ़िया सी मंगल रेखा भी बनी हुई है, तो जितनी भी राहु रेखा है या चिंता की रेखा है, एक चीन की दीवार की तरह ये रेखा काम आती है, और कोई ना कोई व्यक्ति जीवन में इनको साथ देने वाला मिलता है इनके जीवन में, और ये रेखा इनकी शुरू हो रही है इनके यहाँ से, तो कोई ना कोई इनको हेल्प करने वाला जीवन में सदा बना रहेगा जो इनका ख्याल रखता होगा। एक ये फ़ायदा इस मंगल रेखा से मिलता है, और प्रॉपर्टी के भी फायदे ये रेखा दिलाती है, प्लस इनके बहुत स्क्वायर बन रहे हाथ में, तो हो सकता है इनके जीवन में प्रॉपर्टी का बहुत सारा योगदान हो, ये अच्छी खासी प्रॉपर्टी जीवन में बना सकती, इतने सारे स्क्वायर है और कोई ज़्यादा रेखाएं काट नहीं रही है, तो ये प्लस पॉइंट है। प्लस ये अगर शेयर सट्टे में भी ध्यान दे तो इनको प्रॉफिट हो सकता है, इस तरह की रेखा है, बहुत ज़्यादा एनर्जी तो नहीं, पर 50-60% ये बेनिफिट उठा सकते हैं शेयर सट्टे में भी अगर ध्यान दे तो, शेयर मार्केट में भी, तो ये प्लस पॉइंट है इनके हाथ पर। अब इनके बाहरी मंगल को देखते हैं। बाहरी मंगल हाथ के मुकाबले बहुत अच्छा है, अति अच्छा है, ये कोई भी संकट को आसानी से फेस कर सकते, बहुत शिफ्ट से हैंडल करते ऐसे लोग जिनका बाहरी मंगल अच्छा होता है, तो ये प्लस पॉइंट है। और किसी व्यक्ति से मिलेंगे तो बहुत दिल से मिलते, अच्छी रीत से मिलते, इनका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होता है सामने वाले व्यक्ति के पास। अब चंद्र ग्रह पर देखते हैं। चंद्र ग्रह पर एक बढ़िया सी लाइन चल रही है जो इनको बार बार विदेश यात्रा कराएगी,
और दूसरी यात्रा की रेखाएं भी इनकी है, तो इनका विदेश से नाता हमेशा बना रहेगा। वो मछली भी है प्लस ये यात्रा रेखाएं भी है। तो उम्र के पीछे के साल में अच्छी खासी यात्रा इनकी विदेश में होने वाली है और ये यात्रा बार बार यात्रा कराती है। और यहाँ पर एक ट्रायंगल भी बन रहा है। ये ट्रायंगल थोड़ा सा अंदर होता तो चार चांद लगते। बहुत बार ये ट्रायंगल दो तरह के लाभ देता है। एक तो व्यक्ति कवि होता है या लेखक होता है, इस तरह का व्यक्ति के जीवन में रोल होता है ट्रायंगल का। या जब भी विदेश यात्रा करता है व्यक्ति, तो वो कुछ ना कुछ लाभ कमा कर आता है। ये ट्रायंगल दो तरह के फायदे देता है। अब हमारे पास जब पाम आता है, व्यक्ति अपने बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी देता नहीं। अगर पहले जानकारी हो तो इसके ट्रायंगल का मतलब हम अच्छी तरह से समझा सके, पर ये दो तरह के लाभ ट्रायंगल देता है। अब चलते इनके रेखाओं की ओर। इनकी रेखा अगर देखे तो एकदम गुरु पर्वत से हार्ट लाइन शुरू हो रही है। ये हार्ट लाइन जब इस तरह की होती है तो इनको एक ही मेरी सलाह है, बहुत बार इनकी शादी होने में बहुत तकलीफ आती है। इन लोगों ने अपने जीवन में बहुत सारे आदर्श बना लिए रहते, बहुत सारे, और उस आदर्शों पर ही चलने की कोशिश करते। बहुत बार वो आदर्श फायदा देते, बहुत बार नुकसान देते। और जब इनके पास शादी की ऑफर आती है तो सामने वाले व्यक्ति में बहुत सारी खामियां या अच्छाइयां ढूंढते, और इसमें फिर इनको तकलीफ आती है शादी करने में, क्योंकि हर व्यक्ति सर्वगुण संपन्न होता नहीं। तो ये एक सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है इनके जीवन में। पर ऐसे लोग बहुत विश्वासु होते, बहुत भरोसे लायक इंसान होते, ये सबसे बड़ी खासियत। और इनको कभी प्यार का प्रदर्शन करने नहीं आता। इनके परिवार वाले, इनके अगर बच्चे भी हो जाए, इनके पति है या जो भी है, हमेशा कंप्लेन जीवन भर रहेगी कि इनको प्यार करने आता नहीं। दूसरी एक कंप्लेन इनकी ये रहती है, ये जो भी इनके साथ रहने वाला, चाहे वो दोस्त हो, चाहे परिवार का व्यक्ति हो, चाहे पति हो, चाहे माँ बाप हो, भाई बहन हो, हर इंसान से इनके एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रहते, और उस एक्सपेक्टेशन सभी व्यक्ति तो पूरी कर नहीं पाते, तो इनको काफ़ी दुख उठाना पड़ता है, ये काफ़ी दुखी रहते। ये एक माइनस पॉइंट रहता है, इसके बारे में इनको हमेशा जीवन में सोचना चाहिए। पर इस हाथ पर एक दो खड़ी लाइनें, आड़ी लाइनें जिस तरह से एंड में चल रही है, ये इनको बहुत खुशी वाला स्वभाव दे रहे। इसको फ्लर्ट लाइन कहते हैं, और इसका मतलब ये नहीं कि व्यक्ति फ्लर्ट करते रहता है, पर व्यक्ति इस लाइनों से आनंदित रहता है। दुख का समय में भी वो 5 मिनट दुखी रहेगा, पर उसके बाद कुछ ना कुछ आनंद ढूंढ ही लेता है और खुश रहने की कोशिश करता है। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। मैं ये रेखाओं को बहुत महत्व देता हूँ व्यक्तिगत जीवन में। और इनकी जो हार्ट लाइन है, ये डबल डबल कहीं कहीं पर हो रही है। इस समय जब भी डबल होगी, इनके पास जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ेगा। और महिला के हाथ में इस तरह की हार्ट लाइन कॉमन चीज़ है, क्योंकि उस अच्छी खासी जिम्मेदारियां महिला लेकर चलती है। तो मैं इसको गलत मानता नहीं, ऐसी हार्ट लाइन को। अब चलते इनकी माइंड लाइन को। माइंड लाइन यहाँ तक तो लगभग 28 साल तक तो ये लगभग साथ में चल रही है, और उसके बाद ये अलग होकर नीचे जा रही है और चंद्र पर्वत की ओर टच कर रही है। जब इस तरह की माइंड लाइन हो व्यक्ति के जीवन में, तो व्यक्ति इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छा होता है, एक्सट्रीम लेवल का होता है। और इस पार्ट में अच्छा खासा बोझ दिख रहा है, कोई ना कोई टेंशन ये जीवन में लेंगे इस पार्ट तक, पर उसके बाद ये रेखा अच्छी खासी स्मूथ आगे बढ़ रही है। अब ये जीवन का लगभग लगभग 42 से 45 साल तक का पार्ट ये काफ़ी टेंस लेंगे, यानी विकास करने का टेंस हो सकता है,
या सफल होने का टेंस हो सकता है, कोई ना कोई व्यक्ति के या पढ़ाई का टेंशन होता है व्यक्ति को, कोई ना कोई टेंशन ऐसे व्यक्ति को होता है और वो टेंस लेता है। बाकी इनकी माइंड लाइन काफ़ी अच्छी, बुद्धिजीवी आदमी है, इंसान है, व्यक्तिगत रूप से फीमेल है ये, और अच्छी खासी बुद्धि के धनी है। अब इनकी जीवन रेखा क्या बता रही है? जीवन रेखा 28 साल तक तो अच्छा खासा संघर्ष दिखा रही है, पर 28 साल के बाद इनके जीवन में एक परिवर्तन आया और इनको कोई अच्छी सी पोस्ट मिली होगी या अच्छी जगह मिली होगी, और ये लगभग 45 के आसपास से एक ऑफशूट जा रहा है, और यहाँ पर भी इनके जीवन में कोई मोटा बदलाव आएगा या कोई बड़ी सफलता मिलेगी और इनकी जीवन की गाड़ी आगे बढ़ेगी। अब ये इनकी एक प्रश्न था शादी का, तो लगभग ये शादी इनकी इनकी शादी की उम्र लगभग चालू रखना एक दो लगभग 31 के आसपास इनकी शादी हो जानी चाहिए, क्योंकि जब भी मंगल रेखा से कोई एक रेखा जाकर हृदय रेखा और माइंड रेखा को मिलती है तो उस उम्र में व्यक्ति की शादी हो जाती है और इनको कर लेनी चाहिए। और ये जो जीवन का पार्ट है ये भी थोड़ा सा संघर्षमय रहेगा, सिंगल लाइन है, थोड़ी सी पतली सी है, तो व्यक्ति को संघर्ष रहता है, पर उसके बाद इनकी रेखा स्ट्रांग हो रही है 45 से, और अच्छा खासा जीवन में विकास करेंगे। और एक जो ट्रायंगल यहाँ पर बन रहा है इस तरह से, इस उम्र काल में ये अच्छी खासी 2-3 प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा ट्रायंगल है। इस पार्ट में इनका जीवन का विकास भी होगा, इनको सफलता भी मिलने वाली है, और एक ट्रायंगल यहाँ पर भी बन रहा है 45 के आसपास, यहाँ पर भी ये ज़मीन खरीद सकते हैं, एक ये 55 के आसपास भी ट्रायंगल बन रहा है, एक यहाँ पर भी ट्रायंगल बन रहा है, बहुत सारे ट्रायंगल। जब बड़े ट्रायंगल होते तो व्यक्ति एक से ज़्यादा भी प्रॉपर्टी खरीदता है, यहाँ पर भी ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पर भी बन रहा है, यानी प्रॉपर्टियाँ इनके जीवन में अच्छी खासी है। और एक रेखा ऐसी निकल रही है जो एक खालीपन देती है, जो मुझे प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी तकलीफ होती है, बड़ी रेखा तो नहीं है, वाया लसाविया लाइन कहते हैं, मेरा प्रोनाउंसिएशन माफ़ कीजिएगा, मैं बहुत कोशिश करता हूँ पर मैं इसमें सफल हो नहीं पा रहा हूँ। ये एक लाइन ऐसी है जो एक खालीपन देती है, उस खालीपन को भरने के लिए बहुत से इंसान धर्म का सहारा लेते, स्पिरिचुअलिटी का सहारा लेते, कोई नशे का सहारा लेता है, कोई चाय कॉफ़ी का सहारा लेता है, कोई सिगरेट का सहारा लेता है, कोई दारू का सहारा लेता है, अलग अलग तरीके से कोई दवाई का सहारा लेता है, उस खालीपन को भरने के लिए ये रेखा उस तरह का व्यक्ति सहारा लेता है और उसके व्यसन में बंदी होता है, वो चाहे वो धर्म का हो, चाहे सिगरेट का हो, चाहे दारू का हो, चाहे चाय का हो, चाहे कोई दवाई का हो, कोई ना कोई उस खालीपन को भरने के लिए व्यक्ति किसी का सहारा लेता है, इस तरह का मिलता है। और इनके पाम पर एक और खासियत है जो ये बनने वाला बहुत बड़ा ट्रायंगल, इसको ग्रेटर ट्रायंगल कहते हैं। जब किसी व्यक्ति के हाथ में इस तरह का ट्रायंगल होता है तो व्यक्ति के पास बुढ़ापे में बहुत सारी संपत्ति जमा होती है, और इनके पाम पर एक ये ट्रायंगल निर्देश कर रहा है बुढ़ापे में संपत्ति का, और एक यहाँ पर बनने वाली फिश, ये दोनों संकेत एक दूसरे को कैरी कर रहे हैं, जो इनके पास बुढ़ापे में अच्छी खासी संपत्ति जमा होगी, अच्छी खासी। ये ट्रायंगल ग्रेटर ट्रायंगल होता है जो बहुत धन व्यक्ति के जीवन में झोली में देता है, पर बुढ़ापे में। अब इनकी फेट लाइन यहाँ से चली, ये परिवार का सहारा दिखा रही है, और यहाँ तक आकर अटक गई, माइंड लाइन तक अटक गई, और एक हल्की सी फेट लाइन शुरू हुई, उम्र लगभग 27-28 से,
पर ये रेखा 27-28 के बदले स्ट्रांग हो रही है उम्र 33 से, और ये आगे बढ़ रही है। ये रेखा 32-33 से काफ़ी स्ट्रांग होते होते ऊपर आगे बढ़ रही है, और एक फेट लाइन इनकी इस तरह से निकल रही है, एक फेट लाइन ये, एक फेट लाइन ये। यानी धन की तो कमी इनके पास रहने वाली नहीं है, अपॉर्चुनिटी की कमी रहने वाली नहीं है, प्लस इनकी माइंड लाइन और हृदय रेखा काफ़ी डिस्टेंस में है, तो ये खुद का निर्णय खुद लेने वाले, व्यक्तिगत निर्णय लेने वाले इंसान होंगे, और यहाँ से इनके जीवन की गाड़ी अच्छी खासी दौड़नी शुरू हो जाएगी लगभग उम्र 34 के बाद। 34 से इनको कुछ ना कुछ अच्छी सफलता हाथ में आनी शुरू हो जाएगी, ये इनकी फेट लाइन से लगता है। और बुढ़ापा आते आते तो अच्छा खासा 54 के बाद तो इनके बल्ले बल्ले है, बहुत अच्छी फिश इनके जीवन में बनी हुई है। और इनको आर्थिक कष्ट, एक लाइन यहाँ पे काट रही है, हो ना हो कोई परिवार का व्यक्ति इनके जीवन में कम हुआ हो, ये उम्र होगी लगभग 28 के आसपास की। और एक फेट लाइन इनको उम्र 34 के आसपास काट रही है, यहाँ पर भी कुछ इनके जीवन में आर्थिक नुकसान हो सकता है। और एक आर्थिक नुकसान उम्र 39-40 के आसपास होगा, और एक परिवार के लिए बड़ा खर्चा ये उम्र लगभग 51 के आसपास करेंगे, 51 या 52 के आसपास ह्यूज लेवल का खर्चा होगा ये। बाकी ये छोड़कर इनके जीवन में कोई ज़्यादा कष्ट दिख नहीं रहा है, गाड़ी स्मूथ धीरे धीरे आगे बढ़ती रहेगी और सफलता इनको प्राप्त होते रहेगी। मेरे हिसाब से ओवरऑल अगर काउंट करूँ तो ये बुद्धिजीवी हाथ है, अच्छा खासा प्रोग्रेस करेंगे, विदेशों से भी कमाई करेंगे, बुढ़ापे में फिश है और ग्रेटर ट्रायंगल भी है, तो ये अच्छा खासा विकास जीवन का इनका होने वाला है, कोई ना कोई उच्च पद पर ये विराजमान होने वाले। आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों का जवाब इनको मिल गया होगा, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।